I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel. तो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे पार्ट टू के लिए, तो आज उस दिन आ गया। पार्ट टू दिखाएंगे। पार्ट टू में आपका जस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जितना भी पार्ट्स रहेगा वो आपको कैसे बाइक में इंस्टॉल करना है वही चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जो आपको एक मेटल के बारे में बताया था वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जिस दिन आएगा उसको लगा के आपको फिलहाल दिखा दूंगा। तो अभी चलिए, मैं यहाँ पे तो शूट नहीं कर सकता, मेरे घर पे चलते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आपको इंस्टॉलेशन के बारे में दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा कर रहा हूँ तो जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोगों का कमेंट का बहुत सारा इंतजार रहता है। मेरा जो वीडियो है वो मैं पूरा घर पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी रेंट पे रहता हूँ, तो मुझे घर पे वीडियो बनाना पड़ेगा। और इसके पहले जो मैंने पार्ट दिखाया था वहाँ पे मैंने आपको एक पार्ट बोला था, पार्ट के बारे में, जो ए वाला मेटल का पार्ट के बारे में बताया था कि ये अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली वो जो वीडियो था वो मैंने पहले शूट किया, और ये जो पार्ट है वो आज ही रिसीव हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि ये पार्ट नहीं आएगा तो कुछ जुगाड़ करके दिखा देंगे, तो कोई बात नहीं, आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप मिस मत कीजिए, पूरा प्रॉपरली आप वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। अभी जो मैं इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा वो हर बाइक में सेम ही होगा, क्योंकि अभी BS6 में हर बॉडी जो रहता है वो सबका सेम रहता है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, ये जो हैंडल बार का स्विच कंट्रोल है उसको रिमूव करूँगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो क्लैंप रहता है उसको रिमूव करूँगा और पूरा मीटर को अलग कर दूँगा, और हेडलाइट को भी अलग करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग है मैं पूरा टाइमलेस में दिखाने वाला हूँ, तो आप जस्ट वीडियो को वॉच कीजिए। अभी हमने यहाँ पे सेफली सब कुछ रिमूव कर दिया, अभी बारी है एक क्लैंप यहाँ पे लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं, अब जस्ट देखो। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, लेफ्ट हैंडल बार का जो कंट्रोल स्विच है वो भी इंस्टॉल कर दिया, और इसको भी इंस्टॉल कर दिया, और आपको जो मैंने पहले बोला था एक मेटल का पार्ट वो यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे प्लेस किया, और अभी यहाँ पे वायरिंग करना बाकी है, तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बाकी है मेन चीज़, ठीक है, सब कुछ मैंने लगा लिया। अभी मेन जो हाईलाइट चीज़ है वो आपका है डिस्प्ले, तो इसके साथ देख सकते हैं कितने सारे कनेक्टर हैं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले होगा ये, इतना सब कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बाइक के साथ। तो चलिए इसको लगाते हैं, फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो आप देखो ज़रा, पूरा सेम टू सेम Duke 390 की तरह, यहाँ पर जितना भी कनेक्शन था मैंने सब कर दिया, और देख सकते हो यहाँ पर पूरा प्रॉपर मैंने फिटिंग कर दिया, और सामने से देखने पे आप देखो कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो चलो आपको मैं जस्ट ऑन करके दिखाता हूँ, आपका आ गया रेडी टू रेस। और यहाँ पे जो कंट्रोल स्विच है ना वो आपका यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेट बटन क्लिक करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे सेट आ गया, यह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और चलो यहाँ पे आप आपका इंडिकेटर भी काम करेगा, जैसे देख सकते हो इंडिकेटर भी काम कर रहा है। और चलो इग्निशन मारते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपका एक आ गया, दो फिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो फिलर आएगा तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये दो फिलर क्यों आ रहा है। तो ऐसे तो फिलर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट यहाँ पे एग्ज़िट मारूंगा तो चला जाएगा, देख सकते यहाँ पे चला गया। अभी चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी जस्ट टेस्टिंग का बाकी है। एक शॉट आपका हल्का एक शॉट दिखा दूंगा। अभी जस्ट निकले घर से, एक जस्ट एक टेस्टिंग मारेंगे, ठीक है? आप लोगों को जस्ट दिखाऊंगा एक टेस्टिंग मार के, तो आप जस्ट देखो कैसे क्या वर्क करता है। अब जस्ट एक टेस्टिंग मारेंगे। Till I wear the crown.